काशीपुर में जनता की सुरक्षा हेतु सीबीओ द्वारा लगातार समय समय पर चालान किए जाते थे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु हेलमेट के लिए चालान, रेट्रो साइलेंसर पर चालान, ट्रिपल राइडिंग पर चालान। तब काशीपुर के व्यापारियों एवं कुछ लोगों ने मिलकर डीजीपी अशोक कुमार से सीपीयू को शहर से निकालने की मांग की थी, जिसमें डीजीपी ने तब सीपीयू को काशीपुर नगर क्षेत्र से बाहर चेकिंग का तत्काल आदेश दिया था। अब दोबारा काशीपुर की जनता की मांग करने के बाद सीपीयू को काशीपुर शहर के अंदर चालान करने के आदेश दे दिए गए हैं। आज भी दोपहर तक ही 100 से अधिक चालान काशीपुर में किए गए हैं। सीपीयू एसआई हेमसुराल द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने काशीपुर में सीपीयू को पूरा बुलाने एवं यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सीपीयू ने काशीपुर में कार्य प्रारंभ कर दिया है। देखिए सुरागिला न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काशीपुर क्षेत्र में सीपीयू लगातार पहले चेकिंग अभियान चलाकर लोगों के चलान काटा करती थी और उनको अवेयर किया करती थी, पर जैसे कि सीपीयू को जो निर्देश दिए गए थे कि वो शहर के बाहर ही चलान करेंगे, तो लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी थी और सड़क सुरक्षा को लेकर भी बिल्कुल भी कड़े नियम का पालन नहीं कर रहे थे। दोबारा से सीपीयू शहर में आ चुकी है, चलान कर रही है, तो इस विषय में हम जानेंगे आज कि काशीपुर में कितने चलान किए गए हैं और किस किस चीज़ के चलान दोबारा से शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हेमसुराल जी से। नमस्कार सर। सर, जैसे कि अशोक कुमार, डीजीपी अशोक कुमार ने नए जो निर्देश दिए थे कि काशीपुर क्षेत्र के बाहर बाहर जो है वो सीपीयू चलान करेगी, पर अब सीपीयू दोबारा से शहर के अंदर आकर चलान कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब लोगों की मांग है कि यहाँ दोबारा से चलान किए जाए और हमारे पास आदेश भी आ गए हैं कि लोकल में भी चलान कर सकते। सर, आज काशीपुर में कितने चलान किए गए? आज लगभग 16-17 चलान मैंने कर दिए हैं और जो हमारी दूसरी अन्य टीमें हैं वो भी लगातार चलान कर रहे हैं, 30-40 चलान, 50 चलान हो गए। तो क्या क्या वो नियमावली है, कौन कौन से वो चलान है जो काशीपुर में अब किए जाएंगे, जिस पर ज़्यादा मुख्य ध्यान दिया जा रहा है? मुख्य रूप से ट्रिपल राइडिंग है, मोबाइल है, रेट्रो साइलेंसर है, ओवर हाइट के चलान है, हेलमेट है, सभी तरह के चलान किए जा रहे हैं, सारे मदों में चलान। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।